गांधी को लिखी चिट्ठी नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, कांग्रेस के पास अंतिम मौका है, इन 13 मुद्दों पर करे काम। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर पंजाब के लिए 13 एजेंडों पर काम करने की सलाह दी है। इस चिट्ठी पर 15 अक्टूबर यानी बीते शुक्रवार की तारीख लिखी हुई है, जिसे आज यानी 17 अक्टूबर को सिद्धू ने ट्वीट किया है। इस चिट्ठी में सिद्धू ने लिखा है, मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ, पंजाब के पास वापस उठ खड़े होने का ये आखिरी मौका है। पंजाब कर्ज के तले दबा हुआ है, 1 लाख से अधिक सरकारी पद खाली है और शिक्षकों को बहुत कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। पहले से जारी 18 पॉइंट एजेंडा के 13 मुद्दों पर वो जोर देना चाहते हैं, जो उनके मुताबिक पंजाब के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले पंजाब की आत्मा के लिए इंसाफ का मुद्दा है, जिसे राहुल गांधी ने आगे रहकर वकालत की है। उन्होंने सबसे पहले एजेंडा बेअदबी मामले में इंसाफ को बताया। सिद्धू के मुताबिक इसके लिए कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसलिए कई लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसटीएफ की रिपोर्ट में जिन बड़े गुनहगारों का नाम आया है, उन्हें जल्द सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार के लाए 3 नए कृषि कानून को लेकर लिखा कि पंजाब की सरकार को इन्हें खारिज करना चाहिए और कहना चाहिए कि किसी भी कीमत पर ये राज्य में लागू नहीं होंगे। कुछ दिनों पहले सिद्धू ने इस्तीफा दिया था। सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा सरकारी पदों के लिए की गई कुछ नियुक्तियों पर आपत्ति जताते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हाल ही में इस्तीफा दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू गुरुवार को कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, मैंने पंजाब से जुड़ी जो भी चिंताएं थी वो पार्टी हाईकमान को बताई। मुझे कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका जी और राहुल जी पर पूरा भरोसा है, मैं उनके हर आदेश का पालन करूंगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक हरीश रावत ने मीटिंग से पहले कहा था कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू ने आपस में कुछ मुद्दों पर बातचीत की है और जल्दी उनका हल निकल जाएगा। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि सिद्धू ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष का फैसला उन्हें मंजूर होगा और साफ आदेश है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहिए।